जिसके कान हों वो सुन ले, जिसकी आंखें हों वो देख ले। हम उन लोगों के लिए विशेष धन्यवाद देना चाहते हैं जो हमें SBI पे, गूगल पे और पेपलिंक के द्वारा हमारी सेवकाई में बोते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से आप भी बो सकते हैं। ये हमारे 3 चैनल्स हैं और अब आप हमें टेलीग्राम पर भी ढूंढ सकते हैं। हमारी इस दुनिया में एक आत्मिक नियम है जिसे आशीष और श्राप कहते हैं। यीशु मसीह ने ये कहा था, आशीष दो पर श्राप मत दो, यहाँ तक कि अपने दुश्मनों को भी। जब इसराइलियों ने एक्सोडस किया था, यानी कि निर्गमन किया था अपना, और जब वो वादे के देश की ओर बढ़ रहे थे, तो बाइबल में मिलता है कि उनके वस्त्र भी फटे नहीं, ना पुराने हुए, यहाँ तक कि जूते भी नहीं घिसे। इसराइलियों ने इन बातों को आशीष की तरह लिया था कि ये यहोवा के हमारे साथ होने का प्रमाण है, प्रेजेंस ऑफ गॉड का कमाल है ये। मैं एकमात्र ऐसी दुआ आपको दिखाने जा रहा हूँ जो परमेश्वर ने लिखवाई है, और हारून और उसके बेटों को ये बात हर रोज इसराइलियों के ऊपर बोलनी थी। निर्गमन 6:22, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून और उसके बेटों से ये कहना कि तुम इसराइलियों को इन वचनों से आशीर्वाद दिया करना। मतलब हारून और उसके वंश को ये बोलना है हर रोज इसराइलियों को। अब ये वो हिस्सा है जो आपको याद करना है, यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे, यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे, यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। कई जूश स्कॉलर्स इस बात को टेस्टिफाई करते हैं कि इसराइलियों के ऊपर जो आशीष बनी हुई थी विल्डरनेस में, वो हारून और उसके बेटों के ये बोलने की वजह से बनी हुई थी। और यहोवा परमेश्वर ने मूसा से ये कहा था स्पेशली कि ऐसा कहना तू हारून से और उसके वंश से। और इसके आगे जानते हैं क्या लिखा है, इसी रीति से मेरे नाम को इसराइलियों पर रखे वो लोग और मैं उन्हें आशीष दिया करूंगा, दे शैल पुट माई नेम अपॉन द चिल्ड्रन ऑफ इसराइल एंड आई विल ब्लेस देम। इस दुआ को या फिर आशीष वचन को परमेश्वर ने स्पेशली लिखवाया है और इसे द आरोनिक ब्लेसिंग कहते हैं। अब आपको भी ये दुआ अपने घर के लोगों के लिए करनी है, क्योंकि आप अपने घर के प्रीस्ट हैं, और ये बात टेस्टिफाई की गई है बहुत सारे विश्वासियों के घर में जहां ये दुआएं बोली जाती हैं। बहुत सारे लोगों ने परमेश्वर के सुपरनेचुरल हाथ को देखा है। इसराइलियों पर परमेश्वर का नाम रखा जाने का मतलब ये है कि परमेश्वर उन लोगों का परमेश्वर कहलाएगा, वो पिता की तरह उनका ध्यान रखेगा, हर आवश्यकता पूरी करेगा, चाहे सुरक्षा देनी हो, चाहे अनुग्रह देना हो, चाहे आशीष देनी हो। इस आरोनिक ब्लेसिंग के बहुत ही अद्भुत रिजल्ट्स हैं जो आप अपने जीवन में जब पीछे मुड़कर के देखेंगे 20 साल बाद, तब पाएंगे कि हाँ वाकई ऐसा है। अब शायद आपके दिमाग में आ सकता है कि ये तो इसराइलियों के लिए था, ये तो आरोनिक ब्लेसिंग है, हारून और उसके बेटे इसराइलियों के लिए प्रीस्ट थे, हमारा इससे क्या लेना देना है। देखिए, हमारा जो महायाजक है वो यीशु मसीह है, वो हमारा मलकीसेदक की रीति पर महायाजक है और हम उसके लोग हैं और हम प्रीस्ट ठहराए गए हैं सारे संसार के लोगों के लिए। कम से कम अपने घर के लोगों के लिए प्रीस्ट और प्रॉफिट तो जरूर बने। इब्रानियों 7:11, पर अगर लेवी याजक पद के द्वारा सिद्धि हो सकती है जिसके सहारे से लोगों को व्यवस्था मिली थी, तो क्या जरूरत ही थी कि दूसरा महायाजक मलकीसेदक की रीति पर खड़ा हो और हारून की रीति पर ना कहलाए। अगली यानी 12वीं आयत में लिखा है, क्योंकि जब याजक का पद बदला जाता है तो व्यवस्था का भी बदलना अवश्य है। दोस्तों, हारून का प्रीस्टहुड चेंज हो चुका है, अब महायाजक यीशु मसीह है। यीशु मसीह ने अपने चेलों के पांव क्यों धोए थे, इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगा। ये बात इसीलिए जुड़ी हुई है इस बात से कि वो हमारा बड़ा महायाजक है और वो हमारे आगे आगे चलता है और हम उसके पीछे चलने वाले रहने वाले लेवी याजक हैं। अब दोस्तों, व्यवस्था बदल चुकी है, ऐसा एक महायाजक आएगा और ऐसा एक प्रीस्टहुड शुरू किया जाएगा। ये बाइबल में पहले से ही दिया है कि ये व्यवस्था चेंज होगी एक दिन, क्योंकि अब परमेश्वर का मंदिर हम हैं, कोई बिल्डिंग नहीं है। तो आप अपने लोगों को इस आरोनिक ब्लेसिंग से ब्लेस कीजिए, यहोवा आपको आशीष दे और आपकी रक्षा करे, यहोवा अपने मुख का प्रकाश आप पर चमकाए और आप पर अनुग्रह करे, यहोवा अपना मुख आपकी ओर करे और आपको शांति दे, यीशु मसीह के नाम से आमीन। और इस तरह से आपके ऊपर परमेश्वर का नाम बना है और परमेश्वर का वादा है कि वो आपको आशीष देंगे। सबको जय मसीह की।